अभी तो ये शुरुआत, आगे आगे देखती जाओ मैं करता क्या हूं तुम्हारे साथ। यासिर कहीं तुमने ही तो मोबाइल नहीं गिराया था? देखा आपने जुबैर, जवेरिया की सास हमें कितनी बातें सुना के गई है और सिर्फ मिनाहिल की वजह से। मिनाहिल की वजह से नहीं सुना कर गई, अपनी कम अकली की वजह से सुना कर गई। अच्छा खासा अक्लमंद समझता था उन्हें मैं। हद करते हैं आप, जवेरिया की सास की जगह कोई भी होता ऐसे ही करता। ससुराल वाले मैके भेजते हैं बहुओं को ताकि उनका ख्याल रखा जाए, और यहाँ क्या हुआ, उनकी खुशी गम में बदल गई। पता नहीं कब अकल आएगी मिनाहिल को। और सारा कसूर सोफिया का है। सोफिया ने क्या किया भाई, उसे क्यों बीच में ला रही हो? उफ, आपसे तो बात करना ही फजूल है। मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं जाके मिनहाल के रिश्ते के लिए इनकार कर दूं। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? यूं जरा सी बात पे रिश्ते नहीं तोड़े जाते। आपके लिए जरा सी बात होगी ये। अगर उन्होंने जवेरिया के इस घर में आना बंद कर दिया तो क्या करेंगे हम? हमारे सिवा है ही कौन उस बच्ची का? माज और अलीजे जिंदा होते तो ऐसा कभी ना होता। कितना प्यार करते थे जवेरिया से। मैं तो हमेशा से कहती आई हूँ सोफिया उसे अपनी बेटी समझती ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं है फरहीन, सोफिया ने आज तक जवेरिया और मिनाहिल में कभी फर्क नहीं किया, बल्कि तुम ही हो जो कभी उसकी ममता को समझ नहीं पाई, और उल्टा तुम्हें ना जवेरिया को समझाना चाहिए। मुझे तो लग रहा है कि उसके ससुराल वाले दानियाल और मिनाहिल की शादी के लिए भी नहीं भेजेंगे उसे। हम क्या कहेंगे खानदान वालों को कि हमने एक यतीम बच्ची को अलग कर दिया अपने से? अरे पापा, नहीं होगा ऐसा कुछ। मैं जाऊंगा यासिर के यहाँ, जाके उनसे बात करूंगा। मैं चला जवेरिया को भेजेंगे शादी पे, हम लोग सब साथ होंगे। अल्लाह करे ऐसा ही हो, उम्मीद तो नहीं नजर आ रही मुझे। तुम नाउमीदी वाली बातें मत करो ना। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह सब ठीक होगा। अल्लाह ताला बेहतर करेंगे और शादी में हम लोग सब एक साथ होंगे। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि अल्लाह ताला ने इतनी जल्दी मेरी दुआ सुन ली। बस अब आपको अपनी बहू का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मैं चलती हूँ। ये कुछ मेडिसिन मैंने लिखी हैं, ये इनको पाबंदी से खिलाइएगा। बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत खुशी की बात है। जवेरिया, 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 तुम रो क्यों रही हो? रोने से सब कुछ ठीक तो नहीं हो जाएगा ना? रो नहीं तो और क्या करूं यासिर? मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले चला गया। अफसोस तो मुझे भी है। मुझे लगता है कि मिनाहिल ने जानबूझकर ये सब कुछ किया, उससे हमारी खुशियां देखी नहीं जा रही थी। मैं मिनाहिल को कभी माफ नहीं करूंगी। अच्छा नहीं किया उसने मेरे साथ, मेरा बच्चा। अच्छा चलो तुम रोना बंद करो, अब जो हो गया उस पे कुछ कर तो नहीं सकते ना। भूल जाओ इस बात को। भूल जाओ? तुम्हारे लिए कहना आसान है यासिर के भूल जाओ, मैं नहीं भूल सकती। मैंने अपना बच्चा खोया है। जवेरिया, जवेरिया, अच्छा चलो। देखिए जो कुछ भी हुआ, मुझे बहुत अफसोस है उसका, लेकिन आप यकीन जानिए मिनाहिल बिल्कुल इस तरह की बच्ची नहीं। बड़ी अच्छी बच्ची है, सबका बड़ा ख्याल रखती है, बड़ी प्यार करने वाली है। समझ में नहीं आ रहा ये सब कैसे अचानक से। जुबैर भाई, अल्लाह को यही मंजूर था और उसके कामों में किसी को दखल नहीं। नहीं, लेकिन फिर भी जावेद भाई, जवेरिया मेरी बेटी, मेरी जिम्मेदारी है। मुझे और फरहीन को उसका ख्याल रखना चाहिए था। आप परेशान मत हो, यह हादसा हमारे घर भी हो सकता था। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। जावेद भाई भाभी, ये शादी का कार्ड देने आना तो सिर्फ एक बहाना था। दरअसल मैं आप दोनों से माफी मांगना चाह रहा था। समझ में नहीं आ रहा था क्या मुंह लेके आऊं आपके सामने। दानियाल और मिनाहिल की शादी है और आप सबको शिरकत करनी है इसमें। यासिर और जवेरिया आ जाएंगे। अरे भाभी, ये क्या बात कर दी आपने। अगर आप लोग नहीं आएंगे तो मुझे लगेगा कि आप लोगों की नाराजगी दूर नहीं हुई। अरे जुबैर, ऐसी कोई बात नहीं। नाराजगी किस बात की? आजकल इनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, शुगर है, अप एंड डाउन रहती है, और वैसे भी मैं तकरीबात में बिल्कुल नहीं जाता हूँ। हाँ, अलबत्ता बच्चे ज़रूर आएंगे। जी जवेरिया बेटा, आपको ज़रा पहले आना है। शादी वाला घर है, भाई की और बहन की शादी है। जी मैं आऊँगी। थैंक यू बेटा। अच्छा जी, मैं अब आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, मुझे चलना चाहिए। अरे जुबैर भाई, कहाँ जा रहे हैं? बेटा, बड़े पापा के लिए चाय बना के लाओ। अरे नहीं नहीं भाई, इसकी तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत है। अबे कहाँ तक पहुँची तैयारियाँ? अबे क्या हुआ, लाइट वाइट क्यों नहीं जल रही भाई? लाइट जला। सही है। ये क्यों नहीं जल रही? तो आप काम की टेंशन लेने इंशाल्लाह भाई, लेनी है टेंशन। बहन की शादी है मेरी, इसको ठीक कर जला। अभी इसको टाइम नहीं है, समझ आई? टाइम नहीं है, जल्दी से जला। तेरे को खाना वाला भी खिला दो। मैं शाह भाई ने हाँ भाई, क्या वाला फूल वाले? ये फूल कम क्यों है यहाँ पे? पैसे पूरे दिए मैंने, फूल पूरे चाहिए मेरे को यहाँ पे सारे। हैं पूरे लगा के? पूरे कहाँ लगाए, कम लगाए। और लगा इसके अंदर, और लगा भी। शाह भाई हाँ, ले इधर ले, सोफे को इधर ले बेटा। शाह भाई ले इधर, इधर रख। हट पीछे, हट पीछे। यहाँ रख रहे ना भाई, ये फूल के एकदम पीछे। हाँ, इसे कवर से डाल ऊपर, इसको साफ बिल्कुल चाहिए अपने को। चल भाई ठीक है। हाँ यहाँ, यहाँ लगेगा ना। एक मिनट, ये यहीं पे थोड़ा सा इधर कर। एक मिनट रुक, इसको इधर के, इधर के, इधर पकड़ 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 पकड़। यहाँ से इधर के, इसको बैठ रहे तो तुरंत। हाँ ठीक, बेस्ट एकदम। बादशाह, तू सुबह से कहाँ गायब है? कुछ होश भी है तुझे? तेरी बेटी की शादी है आज, सारे काम अली ने अकेले किए हैं। कहाँ गायब था? तो क्या करूं, नाचूं? अरे दोस्तों के साथ गया हुआ था, तुझे पता है। आज मैं 2 बाजी जीत कर आया हूँ। अल्लाह किसी बेटी को तेरे जैसा बाप ना दे। तुझे अपनी बेटी का जरा ख्याल नहीं है। अच्छा बस बस, हर बार अपने लेक्चर शुरू कर देती है, नहीं सुनने मुझे। ये ले। ये क्या है? मुझे पता था कि तुझे मुझसे किया हुआ वादा कहाँ याद रहेगा। प्रॉपर्टी के कागजात हैं, तूने मुझसे कहा था कि जिस दिन मिनाहिल की शादी होगी तू इन पर साइन कर देगी। चल शाबाश, जल्दी से साइन कर। कुछ खुदा का खौफ कर, मिनाहिल की शादी तो होने दे। मैं कहीं भागी नहीं जा रही, कर दूंगी साइन। देख सोफिया, तेरी नीयत पर मुझे शक हो रहा है, ठीक नहीं लग रही है। इन कागजात पर साइन कर दे। सोफिया, मुझे फरीन भी बुला रही है। माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही हो मिनाहिल। अली, तुम रो रहे हो? मुझे कभी अंदाजा ही नहीं था कि मेरी बहन को मुझे रुखसत करना पड़ेगा, कभी सोचा ही नहीं था मैंने। तुम तो ऐसे बातें करो जैसे मिनाहिल रुखसत होकर दूसरे मुल्क जा रही है। हमारे साथ ही रहेगी हमारे घर में। लेकिन इस पर पहले जैसा हक तो नहीं रहेगा ना मेरा। मेरी बहन पराई हो जाएगी। तुम फिक्र नहीं करो, मुझे पूरा यकीन है कि दानियाल भाई मनाहिल का बहुत ख्याल रखेंगे। क्यों दानियाल भाई? जाहिर सी बात है, वरना अली छोड़ेगा मुझे। दानियाल, मैं अपनी बहन से दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। मनाहिल मुझे मेरी जान से ज्यादा अजीज है। बचपन से लेकर आज तक मेरी हर खुशी मेरी बहन से जुड़ी। इसे मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ, उसका ख्याल रखना। अली, तुम बहुत अच्छे भाई हो। मनाहिल बहुत लकी है कि उसे तुम्हारे जैसा भाई मिला है। चलो बस जल्दी से मूड ठीक कर लो, खुशी का मौका है यार। सब लोग बैठे, मैं आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो जवेरिया? आप बैठो। प्यारी लग रही मनाहिल, क्या बातें हो रही हैं दानियाल भाई? कुछ नहीं, बस तारीफ कर रहा था आपकी बहन की। अच्छा जी, पर निकाह से पहले आप दोनों को बात करने की परमिशन नहीं है, बड़ी मामा ने सख्ती से मना किया है। तुम्हारी बड़ी मामा का बस चले ना, तो निकाह के बाद भी बात नहीं करने थे। ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही दानियाल भाई। जवेरिया जी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी। अभी तो आए, थोड़ी देर बैठते हैं। मुझे अभी तुमसे बात करनी है। अच्छा, मैं आती हूँ। अच्छा, मैं बस थोड़ी देर में आती। मैं आऊँ? नहीं नहीं, मैं आती हूँ। चलो ठीक है। यासिर, ऐसी क्या जरूरी बात है जो तुम मुझे ऊपर लेकर आई? ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है तुमसे। वो सब तो ठीक है, पर तुम्हें पता है ना मनाहिल और दानियाल भाई का निकाह होने वाला है। क्या ये जरूरी बात हम उनके निकाह के बाद नहीं कर सकते? जवेरिया, मुझे अभी तुमसे बात करनी है। अच्छा बोलो, क्या बात है? यासिर, ऐसी क्या बात है जो तुम मुझसे नहीं कर पा रहे हो? हुआ क्या है? यासिर, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। तुमसे किसी ने कुछ कहा है? देखो, अगर तुम्हें किसी ने कुछ कहा है तो मुझे बताओ। मैं तुम्हारी इंसल्ट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं अभी इसी वक्त ये शादी छोड़ के चली जाऊंगी। मेरे लिए तुमसे अहम और कुछ नहीं है। तुम सच कह रही हो? तुम्हें अपनी बीवी पर यकीन नहीं है? यकीन है? क्या बातें कह रही हो? किसी ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। तो फिर ऐसी क्या बात है जो तुम मुझसे नहीं कर पा रहे हो? ओके, तुम्हें नहीं बताना मत बताओ। मैं जा रही हूँ, वहां पे सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। जवेरिया, बात सुनो मेरी, प्लीज वापस आओ। क्या है यासिर? जवेरिया, मुझे अपने दिल की बात बतानी है। तुम यासिर, ये रोमांटिक होने का वक्त नहीं है। जवेरिया, मैं अपने दिल की बात करके अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहता हूँ। तो फिर बताओ ना। खैबाने मुजाहिद है भाई, और कहाँ आना है। चले, ओके। अरे भाई, किस बात का वेट है? मेरा ख्याल में हमें अब निकाह पढ़वा देना चाहिए, काफी टाइम हो गया। मुझे क्या पता, सोफिया से पूछें। क्यों भाई सोफिया, क्या कहती हो तुम? अरे वो क्या बताएगी, मैं लड़की का बाप हूँ। मुझसे भी कोई इजाजत लेगा या नहीं? हाँ? अरे नहीं, क्यों नहीं बादशाह, बल्कि आप ही का इंतजार कर रहे थे, हम आपसे ही पूछने वाले थे। जुबैर साहब, आप तो रहने ही दें। शादी के सारे काम सिर्फ आपकी अपनी मर्जी से हो रहे हैं। मुझे सिर्फ नाम के लिए आपने खड़ा कर रखा है। अभी अगर मैं नाराज होकर चला जाऊँ ना, फिर देखें लोग कैसी बातें बनाएंगे। कैसी बातें कर रहे हैं बादशाह? तेरी बेटी की शादी है, कुछ तो सोच समझ के बात कर। इसीलिए तो खामोश हूँ, सबके तमाशे देख रहा हूँ मैं। जुबैर, आप काजी को बुलाएं ताकि निकाह शुरू किया जाए। लेकिन वो जवेरिया और यासिर कहाँ हैं? सोफिया चाची, मैंने जवेरिया को यासिर के पीछे जाते हुए देखा था। मानूर बेटा, पे काम करो ना, आप जाके यासिर और जवेरिया को बुला के लाओ, उसके बाद में जाके काजी साहब को बुला के लाता हूँ। आप लोग बैठे, मैं जवेरिया को बुला के लाती हूँ। मानूर, कहाँ जा रही हो? जवेरिया को बुलाने जा रही हूँ। क्यों? जवेरिया नहीं होगी तो क्या मिनाहिल का निकाह नहीं होगा? अगर उसके लिए इसका निकाह इतना इम्पोर्टेंट है ना, तो यहाँ होती। बैठो। जुबैर भाई, आप काजी साहब को बुला लें, तब तक जवेरिया आ जाएगी। अच्छा ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। यासिर, ये तुम क्या कह रहे हो? यही सच है, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। यही ठीक है। मिनाहिल पागलों की तरह मेरे पीछे पड़ गई थी। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मुझे मजबूरन उसको अपने पास रखना पड़ा। मगर मिनाहिल ने तो कहा था कि उसे अगवा किया गया था। झूठ बोल रही है वो, उसको किसी ने अगवा नहीं किया था, वो मेरे साथ थे। अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है तो तुम मिनाहिल से जाके खुद पूछ लो, वो मेरे साथ ही जवेरिया। तुम्हें अंदाजा नहीं है, अगर मैं ये बात नहीं करता तो मेरे दिल का बोझ और बढ़ जाता और फिर शायद मुझे हार्ट अटैक हो जाता। अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो। उन दिनों मैं किस कर्ब से गुजर रहा था मैं तुम्हें नहीं बता सकता। मिनाहिल को मैं समझा समझा के थक गया था, लेकिन वो मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो घर आने ही नहीं चाहती थी। इतनी मुश्किलों से मैंने उससे जान छुड़वाई है, मेरे दोस्तों ने उसे डराया धमकाया, उसके बाद फिर वो घर आई है। यासिर, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? कैसे बताता तुम्हें जवेरिया, वो तुम्हारी बहन है। और मैं नहीं चाहता था कि मिनाहिल की वजह से तुम दुखी हो। पागलों की तरह मेरे पीछे पड़ी हुई थी, इसीलिए वो घर छोड़ के भी आ गई थी। अगर तुम्हें मेरी बात पे एतबार नहीं हो रहा तो तुम अभी भी जाके मिनाहिल से पूछ सकती हो। शायद फिर तुम मुझ पे एतबार कर लो। यकीन करो मेरी बात को। मिनाहिल ने हम सबसे झूठ बोला था, इसे किसी ने अगवा नहीं किया था। आपको मुझ पर यकीन नहीं है? आप यासिर से पूछ लें। जवेरिया सच कह रही है। चाहे सौतेली हो